तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जिस तरीके से जानलेवा हमला हो रहा है उस पर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बिहार से है तो हम दूसर राज्य जाते हैं तो वो भी आते हैं मेरे राज्य, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम में सबका योगदान था, इसलिए ऐसा नहीं कि तमिलनाडु का योगदान था, हमारा बिहार का भी बहुत भूमिका था। जब वही बात है, यहाँ पे साधन नहीं है, इस कारण आज हमारे बिहारी तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, आज उन्हें मजदूर को मारा जा रहा है। मैं जहाँ राष्ट्रपति बना था बिहार का, राजेंद्र प्रसाद बना था, बिहारे का था, फिर उस टाइम में भी कितना प्रेमता था, आज क्यों टुकरा हो रहा था? इसलिए हमारी मौजूदगी जो है वो पटना जंक्शन पे है। आपको बता दें कि लगातार तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जो जानलेवा हमला किया जा रहा है बिहारी मजदूरों पर, इसको लेकर तमाम हम यहां पर जानेंगे, क्योंकि बिहार भारी संख्या में मजदूर जैसे तैसे गाड़ियों में भर भर कर बिहार पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो लगातार पटना जंक्शन पर आ रहे हैं, तमिलनाडु से लौटने पर मजबूर हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या हालात हैं, क्या सच में क्या बुरे हालात वहाँ पर हैं या नहीं हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे युवा भी हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर उतर रहे भी हैं। तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर के साथ घटना घटा है उस पर क्या बोलना चाहिएगा? जिस तरह से मार मार के भगाया जा रहा है, जैसे ही हिंदी बोलता हुआ देख रहा है बस वहाँ पीटना शुरू कर दे रहा है। अच्छा सर, करना चाहिए। बिहार सरकार और वहाँ की सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ, लेकिन मजदूर जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं। अगर ऐसा घटना नहीं होता तो हमारे सर सोनू सर जो है इतना बड़ा एक्शन तो नहीं लेते। आपको भी पता है कोरोना काल में उन्होंने बिहारी को कितना सपोर्ट किया। हम भी एक कमाने वाले इंसान हैं, ये भी कमाने वाले इंसान हैं। तो भैया अगर ऐसा कुछ कांड हुआ है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा कि इसके लिए सरकार को जो है ना एक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बात क्या होती अच्छा, है क्यों जाते हैं बाहर, क्या यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है इस वजह से? यहाँ पे साधन नहीं है ना कमाने के लिए। आप बताओ अगर साधन रहता तो मैं भी बिहारी हूँ, गमछा दे तो ऐसे भी पता चल ही गया होगा। अगर यहाँ पे साधन होता भैया तो मैं अभी दिल्ली से कमा के आ रहा हूँ, तो दिल्ली तो कमाने में नहीं जाता ना सर। तो वही बात है, यहाँ पे साधन नहीं है, इस कारण आज हमारे बिहारी तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, आज उन्हें मजदूर को मारा जा रहा है। मैं जहाँ तक परसों देखा मोबाइल में कि बहुत ज़्यादा जो है मारा गया, पीटा गया, ज़बरदस्ती कुछ से कुछ बुलवाया जा रहा है, हिंदी बोलने पर प्रॉब्लम किया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है भैया तो हम लोग यही बोलेंगे, आप लोग मीडिया के थ्रू अगर ऊपर बात पहुंचे तो भैया जरूर इस चीज़ को पहुंचा। सरकार और वहां की पुलिस कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब मामला शांत है। नहीं ऐसा, ये तो गलत है भैया, क्योंकि मैं एक नहीं 15-20 बार देखा हूँ फेसबुक पे पेज पे आते रहता है कि बिहारी को मारा गया, ये किया गया, तो भैया हर एक न्यूज़ गलत। दिल्ली में भी ऐसा होता है? नहीं दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता है भैया, केजरीवाल का सरकार में ऐसा नहीं मैं देखा हूँ, मैं भी 2 साल से काम कर रहा हूँ, हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता है। तो देखिए बहुत सारे लड़के हैं जो काम करने के लिए, और यहाँ देख सकते हैं आपकी किस तरह से भारी संख्या में जो है वो लगातार उतर रहे हैं, मजदूर उतर रहे हैं काफ़ी। देखिए एक और भी हैं जो, कहाँ जा रहे हैं आप? हम पटना के स्टूडेंट हैं। और जो घटना घटी है तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को, जैसे ही हिंदी या आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि बिहार से बस उन पर जानलेवा हमला कर दिया जा रहा है, दो मजदूरों की हत्या भी हो गई है। सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये भारत देश है, सबका अधिकार है सब जगह जाने का, क्योंकि हम बिहार से है तो हम दूसर राज्य जाते हैं तो वो भी आते हैं मेरे राज्य, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम में सबका योगदान था, इसलिए ऐसा नहीं कि तमिलनाडु का योगदान था, हमारा बिहार का भी बहुत भूमिका था। जब राष्ट्रपति बना था बिहार का, राजेंद्र प्रसाद बना था, बिहारे का था, फिर उस टाइम में भी कितना प्रेमता था, आज क्यों टुकरा हो रहा था? इसलिए हम कहना चाहते हैं सरकार को बिहार में लगाना चाहिए इंडस्ट्री उद्योग। देखिए सरकार को इंडस्ट्री लगाना चाहिए पर ये तो, मगर हमारे बिहार में ज़्यादा बेरोजगारी है, इस मुद्दे पर कोई सरकार नहीं बोलता। सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट को छोड़ के एजुकेशन सेक्टर पर काम करना चाहिए सरकार को। एजुकेशन जब हमारा सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रोजगार आ जाएगा। रोजगार अभी हमको नहीं चाहिए मगर हमको एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन सेक्टर पर काम होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोगों का अपना अपना राय है
और आप देख सकते हैं कि पटना जंक्शन पे हम लोग इस समय मौजूद हैं और भारी संख्या में, सिर्फ तमिलनाडु की ही बात नहीं, चाहे दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, हर जगह, काफ़ी जगह पे इस तरह की घटना घटी थी पहले भी, और अब तमिलनाडु से जिस तरह की बर्बरतापूर्ण मारने की जो ये घटना वीडियो सामने आया है और जिस तरह से मजदूर सामने आ रहे हैं, बिहार लगातार डर के साए में लगातार आने पर मजबूर हैं, तो ये तमाम अपडेट्स हम दे रहे हैं। पटना जंक्शन पे इस समय हमारी मौजूदगी थी और भारी संख्या में मजदूरों का आवागमन जो है तमिलनाडु से यहाँ पर हो रहा है और लगातार मजदूर यही कह रहे हैं कि वहाँ पे घटना घट रही है, अगर वहाँ की पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है, ये मजदूरों का आरोप है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।